हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैडिया में। हम सीख रहे हैं पीटीसी क्रू पैरामेट्रिक 3 में पार्ट मॉडलिंग। अभी तक हमने सीखा है एक्सट्रूड कमांड का यूज कैसे करें और रिवॉल्व कमांड का यूज कैसे करें। हम एक बार देख लेते हैं कि ये दोनों कमांड क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, फिर स्केच में चलते हैं। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं अपने व्यू को, है यहाँ से भी स्केच को अपने ओरिएंटेशन में अलाइन कर सकते हैं। आप देखिए, हम यहाँ पर भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो क्लोज हो। एक्सट्रूड के लिए पहली प्रायोरिटी है कि हम क्लोज ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्लोज ऑब्जेक्ट बना दिया ये, और हम एक दूसरा भी क्लोज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इससे बाहर ऐसे, और इससे बाहर ऐसे। बट आप याद रखें कि कोई क्लोज ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे जो इन सब में इंटरसेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि हम ये देखिए, अब अगर इस कमांड से बाहर चलते हैं तो ये देखिए कोई क्लोज नहीं दिख रहा है ना। अब एक बार हम अंडू कर देते हैं, अब देखिए क्लोज दिखने लगे। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ओवरलैप होगी, कोई लाइन या कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्लोज नहीं रहेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज होगा तो एक्सट्रूड हो जाएगा। ये देखिए, अब ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। एनीवे अगर ये सिलेक्ट ना रहे इस हिसाब से, अगर सिलेक्ट रहेगा तो ये देखिए ग्रीन रहेगा, और यहाँ पे ब्लू मार्क ओवरले रहेगा। अगर सिलेक्ट नहीं है तो ऐसे रहेगा। तो हम इसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एक्सट्रूड करेंगे। ये देखिए एक्सट्रूड हो गया। अब जितनी प्री डिफाइंड हाइट है हम यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये एक्सट्रूड कमांड हो गया। सेम इसी प्रकार से हम रिवॉल्व कमांड में भी करते हैं कि हमारी प्रोफाइल क्लोज होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, देखिए जिस हमने इस वाले प्लेन में बनाया था तो ऊपर की ओर एक्सट्रूड हुआ, लेकिन अगर हमें रिवॉल्व करना है यानी गोल गोल घुमाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इसी प्रोफाइल पे इसी प्लेन पे बना है तो इसी के पैरेलल एक एक्सिस होगी और उसके चारों तरफ वो रिवॉल्व होगा। तो हम यही वाला प्लेन एक बार सिलेक्ट करते हैं, स्केच करते हैं और इसे नॉर्मल कर लेते हैं। हम देखिए, सबसे पहले हमें एक ज़रूरत होती है सेंटर लाइन की, तो हम एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन ड्रा होगी, अब इसी के चारों तरफ हमारा रिवॉल्व का ऑब्जेक्ट घूमेगा। तो याद रखें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हम इसमें सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल भी ऐड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूमेगा। अब इस लाइन के एक ही तरफ ही होना चाहिए, इस साइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसके चारों तरफ घूमेगा और आधा पार्ट इसका इस साइड रहेगा तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इसे ओके कर देते हैं और रिवॉल्व करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो हम रिवॉल्व कर लेंगे। ये देखिए पूरा 360 ये प्लेन था, इसी प्लेन में एक्सिस बनाई ऐसे, देखिए उसी एक्सिस के चारों तरफ ही रोटेट हो गया। इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और जहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे अगर हमें अगर 90 डिग्री रिवॉल्व, ये देखिए 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, हम चाहते हैं इसे बढ़ाना, 160 कर दीजिए। ये देखिए 160 रिवॉल्व हो गया। ठीक है, तो जितना हम बढ़ाएंगे, या मैन्युअली भी कर सकते हैं ऊपर से ऐसे, देखिए हम इसे जितना घुमाते जाएंगे ये उस हिसाब से उतना रिवॉल्व होता जाएगा। और यहीं पे हम देखिए कि अगर ये प्रोफाइल बनाया था हमने, एक रेक्टेंगल बनाया था और एक सर्कल बनाया था, यही प्रोफाइल अगर इस जो सेंटर एक्सिस है इसके इस तरफ रहती तो ये ऐसे रिवॉल्व होता। ठीक है, तो ये इसको कट करता है ना, तो इसीलिए फीचर फेल्ड हो जाता। तो आप ये याद रखेंगे कि कौन सा फीचर कब फेल्ड हो रहा है, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम 3D मॉडलिंग करते हैं तो बीच बीच में कई बार हमारे फीचर फेल्ड हो जाते हैं, मतलब अप्लाई नहीं होते, एरर आती है। तो मालूम होना चाहिए कि वो किस वजह से हो रहा है, तो ये बात बेहद आवश्यक है। और इसे ओके कर दीजिए। तो ये दोनों कमांड हमने सीखे थे। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलेंगे, जिसे हम स्वीप कहते हैं। ठीक है, स्वीप में दो ऑप्शन है, एक स्वीप एक हेलिकल स्वीप। तो हम सबसे पहले स्वीप
कमांड के बारे में जानेंगे। तो हम इन दोनों फीचर्स को डिलीट कर देते हैं। अब स्वीप कमांड में चलते हैं। स्वीप कमांड, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक विंडो है, ठीक है, एक विंडो डिजाइन करते हैं, इस पर स्केच बनाते हैं, नॉर्मल करते हैं। सपोज करिए कि ये आपके पास एक देखिए, अगर हम ऐसे एक इसके बाहर एक बनाएंगे तो हमें आइडिया नहीं है कि ये चारों तरफ से इक्वल है कि नहीं। तो ये काम करने के लिए एक हमारे पास कमांड है जिसे कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का यूज करेंगे तो इक्वली इसके चारों तरफ डायमेंशन बढ़ जाएगी। इसे 300 दे देते हैं, इसे 150। और इसे 200। अब देखिए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और ऑफसेट, ठीक है, थिकनेस हम देते हैं ऑफसेट की 30। अब देखिए, जैसे हमारा एक ही तरफ को ऑफसेट हुआ था तो हम उसे कंट्रोल जेड कर दिए। अब जैसे ही ऑफसेट का ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे टाइप लिख के आता है, ठीक है, सिंगल लाइन। अगर आप इसको करेंगे तो सिंगल लाइन हो जाएगी, तो हमें सिंगल लाइन नहीं चाहिए, पूरा पूरा ये लूप चाहिए। तो हम इसे लूप लेंगे और सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने वैल्यू डाली 30, ओके कर दिया। अब इसमें डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, देखिए अंदर साइड को हुआ है, तो हमें अंदर को नहीं चाहिए था, बाहर को चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे, लूप, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और -30 डाल देंगे। -30 वैल्यू दिया, अभी बाहर की तरफ हो गया और ओके कर देंगे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा थिकनेस देते हैं 30 mm, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा खिड़की में किनारे किनारे पे एक डिजाइन बनी होती है, किसी भी चीज़ की चारों तरफ बनी होती है, तो वो डिजाइन बनाना ऐसे टफ है, ठीक है, हमें कई बार एक्सट्रूड कमांड का यूज करना पड़ेगा और वो उतनी अच्छी डिजाइन नहीं बन पाएगी। तो उसे करने के लिए देखिए हमारे पास एक कमांड है स्वीप, इसका यूज करेंगे। तो आप पहले एक बार कमांड देख लीजिए, फिर हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्वीप कमांड लिया, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन है कि स्वीप एज सॉलिड, स्वीप एज सरफेस, और ये रिमूव, मतलब स्वीप को किसी भी ऑब्जेक्ट से कट करना, और एज ए थिकन, ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्केच चाहिए होगा, तो हम एक इसके ऊपर स्केच बना देते हैं। इस पिक्चर से बाहर चलते हैं। तो स्केच बनाने के लिए हम उसी सरफेस का यूज करते हैं, उसी मतलब प्लेन को सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमें स्वीप कमांड का यूज करना है। तो हम इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिए, स्केच पे गए, नॉर्मल किए। अब देखिए हमें इस एज को अगर लाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो फिर हम रेक्टेंगल टूल से लेके एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, लेकिन अगर ऐसे रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो फिर से हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी जो कि काफ़ी लेंदी है। तो एक प्रोजेक्ट टूल बताया था हमने, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का यूज करते हैं और यहाँ पे लूप ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एक और मेनू आएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा लूप सिलेक्ट हो गया, आप क्लोज कर दीजिए। ये लूप एच ए मतलब जो एच थी ये एक लाइन में कन्वर्ट हो गई है, अब ओके कर दीजिए। ये देखिए ये लाइन हमें मिल गई है। अब इसे सिलेक्ट करिए और स्वीप में क्लिक करेंगे। जैसे ही स्वीप में क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और एक डायरेक्शन आएगी। अब यहाँ पे हमें प्रोफाइल ड्रा करनी है, वो प्रोफाइल इसी स्केच के चारों तरफ घूम जाएगी, मतलब इस पे चलेगी, वो ऐसे ऐसे आएगी चलते हुए, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, और हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। वो कैसे होगा, तो अब जो ये ऑप्शन प्रोफाइल बनाने वाला नहीं हाईलाइट हो रहा था ना, क्रिएट स्वीप सेक्शन, वो हाईलाइट हो गया। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक प्लेन बन के आ गया जिसपे हमें उसका सेक्शन क्रिएट करना है। अब देखिए इस पे कर दिए नॉर्मल करने के बाद, अब यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल ड्रा करनी है, तो करते हैं।
जैसी बना ली है और इसको मैच करा देते हैं। कराने के बाद कमांड से बाहर चलते हैं। ओके, ये देखिए ऑटोमेटिक वो हमारा ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ स्वीप हो गया है। मतलब जो ये प्रोफाइल देख रहे हैं ना, जो बनाए थे हम, इसी लाइन पे ऐसे ऐसे चली है प्रोफाइल। प्रोफाइल आई है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और पूरे में थ्री सॉलिड ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब देखिए इसको और अच्छे से देखने के लिए हम इस पर सेटिंग चेंज कर लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इन्हें हाइड कर देते हैं ऐसे, और ओके। ठीक है, तो ये काम हम अगर एक्सट्रूड कमांड से करते तो शायद बहुत मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से हो पाता। अब देखिए इसमें अगर गोलाईदार हमें चीज़ें बनानी है, ठीक है, खिड़की तो और थोड़ी सी स्टाइलिश होती है, राउंड होती है, तो हम क्या करेंगे, जो स्केच इसके लिए जो सेक्शन क्रिएट किए हैं इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट में आते हैं, इसके सेक्शन में जाते हैं, नॉर्मल कर लीजिए, ठीक है, जूम कर दीजिए इसको। अब हमें यहाँ पे अगर कोई भी चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हमने आपको फिलेट बताया था, यहाँ पे फिलेट लगा दीजिए, फिलेट का रेडियस बहुत छोटा है तो इसे हम बड़ा कर देते हैं। पाइप बहुत ज़्यादा हो गया, वन भी ज़्यादा हो गया, 0.5। देखिए इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एनीवे इसमें कोई कांस्टेंट जुड़ गया है जो कि जो हम सर्किल बनाते हैं, मतलब सर्किल क्या होता है, आर्क यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है उसे दिक्कत कर रहा है, तो हम कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों ओपन एंड हो गए। अब फिर से हम फिलेट ले लेते हैं इस लाइन को, इस लाइन को ये फिलेट कर दीजिए, अब सही है ना। और एक फिलेट यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जो आपका ऑब्जेक्ट बना था, जो प्रोफाइल बनी थी, अब वो सर्कुलर एक राउंड हो गई, या कह सकते हैं कि इसमें फिलेट लग गई है ना, तो ये अब और अच्छी लग रही है। तो ये है हमारा स्वीप कमांड। रेफरेंस में क्या होता है इसमें, ये चीज़ हम अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आप, तो ये आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि स्वीप किसे कहते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शन है जैसे कि स्वीप एज सरफेस, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके लिए एक अलग से स्वीप के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वहाँ पे इसे देखेंगे स्वीप एज सरफेस क्या होता है। अब हम अगर ये पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हम इसे ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसके सारे फीचर्स भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे इससे रिलेटेड। अभी जो तीन स्केच बच गए हैं इन्हें भी पहले सेलेक्ट किया, पहले और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले को, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और इनको भी डिलीट कर दीजिए। यस, वो चूँकि हाइड हो गए थे, उनका यूज नहीं था, इनको हाइड कर दीजिए, शो कर लीजिए। एक प्लेन हम इस प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच बनाते हैं, स्केच बनाते हैं एक आर्क का, ठीक है, बाहर चलते हैं। ये हमारा प्रोफाइल है, अब इस पे हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है, स्वीप करेंगे, इसमें क्लिक किए, प्रोफाइल में
और नॉर्मल कर देंगे। यहाँ पे हम एक इस टाइप का एक रियल टाइप का शेप बनाती है और ओके करती है। अब देखिए ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक सरफेस का ऑप्शन आ गया, ठीक है, क्योंकि जो ओपन प्रोफाइल होती है उसमें कोई थिकनेस तो होती नहीं है, तो क्या होगी, एक सरफेस के जैसे ही बिहेव करेगी। ये देखिए, और ओके कर दीजिए। जो हम स्केच बनाए थे इसको एडिट करके हम इसे फुल कर दे रहे हैं। अब इसको फुल करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम आर्क ले लेते हैं, 3 पॉइंट आर्क, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसे दीजिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम इसे बढ़ाते चले आते हैं, जैसे ही ये एक दूसरे पे टेंजेंट हो जाएंगे यानी इनका सेंटर मैच कर जाएगा, और ओके कर दीजिए। ये देखिए, पूरे सर्किल पे एक रिंग फॉर्मेशन हो गई है, जो कि क्या है, एक सरफेस सरफेस है। तो अब आप समझ गए कि स्वीप में सरफेस का मतलब क्या है। जैसे एक सॉलिड में सरफेस का मतलब है, वही सरफेस का मतलब स्वीप में है। अब एक ऑप्शन है कि रिमूव मटेरियल और ये थिक मटेरियल, थिक ऑप्शन है। और इसके बाद जैसे अलाउ सेक्शन टू चेंज द पैरामीटर्स अलोंग द स्वीप, ये कुछ ऑप्शन है जो हमें स्वीप के साइड को चेंज करने के लिए है। तो हम इसे देखते हैं कैसे। तो हम इस फीचर को डिलीट कर लेते हैं, और जल्दी से एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल बनाते हैं। इसे तो एक्सट्रूड करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और स्केच बनाते हैं, जिस स्केच पे हमारा जो प्रोफाइल होगा, जो स्केच, जो क्रॉस सेक्शन होगा, वो स्वीप कट करेगा। तो हम स्प्लाइन लेके, इस पे याद रखिए हम कैसा भी सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब का इसे हमें एडिट अगर करना है तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए बाहर जाके, और इनके पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। बस इसमें ये याद रखेंगे जो क्रॉस सेक्शन का जो विड्थ होगी, जैसे कि इतनी विड्थ यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो आपस में डिस नहीं, मतलब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसको ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं रखेंगे। ऐसे प्रोफाइल बना लिया। अब इसी प्रोफाइल में जैसे कोई ग्रुप काटना है तो ग्रुप कट जाएगा, ठीक है। स्वीप में गए, अब इसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, इस ऑप्शन को लेंगे और नॉर्मल कर देंगे, एक सर्कल। ये देखिए, यहीं पे वो सर्कल चला है और यहाँ पे ग्रुप कट कर दिया है। आप कट रिवॉल्व से भी करते थे, लेकिन उसमें गोल गोल होता था एक एक्सिस के अराउंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक पाथ के लॉन्ग बनेगा, वो पाथ हम किसी भी हिसाब का अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये स्वीप का फंक्शन है जो समझ में आया होगा। और लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, क्रिएट थिक, अगर हम इसे थिक करते हैं तो क्या होगा। अब ये देखिए, इसे हम थिकनेस दे दिए, थिकनेस देने के बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हम बैक व्यू में चल के इसे 20 से क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें समझ में आएगा। तो इसके लिए हम व्यू में आते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन का ऑप्शन है और प्लेनर यूज करते हैं, क्योंकि हम उसे प्लेन से कट करना चाहते हैं, ठीक है। इस प्लेन को सिलेक्ट करके इसे कट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखिए, हम इसे जूम करके आपको शो कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो प्रोफाइल थी उस प्रोफाइल में एक थिकनेस आ गई थी। स्वीप में चलते हैं, एडिट, ये जो थिकनेस है ये 5 है, अगर इसे हम 8 करते हैं, ठीक है, तो ये और ज़्यादा मोटाई हो जाएगी। तो ये जो थिकनेस आई हुई है, ये 8 थिकनेस आई हुई है जो हमारी प्रोफाइल बनाई है, अब वो मोटी प्रोफाइल इसे कट कर रही है, ठीक है,
ना कि उसका पूरा उतना एरिया। अब जितनी प्रोफाइल मोटी है केवल वही वही अंदर कट कर रही है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया ऐसे, और इसे ओके कर दूंगी। ये देखिए ज़्यादा कट गया। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, प्रैक्टिस करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा।